इसराइल फिलिस्तीन के बीच छिड़ी लड़ाई का दुनिया पर असर हुआ है। दोनों तरफ से हो रही संघर्ष की कार्रवाई पर दुनिया दो खेमों में बट गई है। आपको याद होगा कि विश्व युद्ध के समय भी यही स्थिति थी। कैसा है देशों का रुख इसराइल फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर? कौन दे रहा है इसराइल का साथ और कौन दे रहा है फिलिस्तीन का साथ, आपको बताते हैं। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच शुरू हुआ खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से आक्रामक कार्यवाही जारी है जिसमें मासूम बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच छिड़ा संघर्ष दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन इस बीच अलग अलग देश कई खेमे में बटते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा ये जानना जरूरी है कि कौन सा देश किसके पक्ष में खड़ा है। बात अगर अमेरिका की करें तो सब जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है और उसकी निकटता इसराइल के साथ है। उसने फिलिस्तीनियों और हमास के रॉकेट हमले के खिलाफ इसराइल के आत्मरक्षा का समर्थन किया है। यूरोप के तीन देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी इसराइल का समर्थन किया है। इसराइल के हमलों का विरोध करने की मांग और प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे समाज में कट्टरता के लिए कोई जगह नहीं है, मैं ब्रिटेन के यहूदियों के साथ खड़ा हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इसराइल के आत्मरक्षा का बचाव किया। जर्मनी भी इसराइल के समर्थन में खड़ा हो गया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन में आए ऑस्ट्रेलिया, अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन समेत 25 देशों का धन्यवाद कहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दोनों पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील करते हुए इसराइल के आत्मरक्षा का बचाव किया। अगर बात करें फिलिस्तीन की तो इस्लामिक देशों ने इसराइल की कार्रवाई पर सख्त एतराज जताया है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने फिलिस्तीन का पक्ष लिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने एक कदम आगे बढ़कर इसराइल को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने इसराइल पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होने की बात करी। उन्होंने फिलिस्तीन में हर तरह के कब्जे को खत्म करने का समर्थन किया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक देशों से इसराइल को फिलिस्तीन पर हमले करने से रोकने की मांग की। पाकिस्तान ने भी फिलिस्तीनियों पर हमले के खिलाफ इसराइल की खुलकर आलोचना की है। वहीं अगर बात करें भारत की तो भारत इस मामले में मध्यस्थ रुख अपना रहा है। भारत ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। हालांकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग और डिबेट में भारत ने इसराइल के साथ अपने गहरे रिश्तों को खुलकर विश्व के सामने रखा और हमास द्वारा दागे जा रहे रॉकेट्स की निंदा भी की। भारत के इस्लामिक देशों से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। इसी वजह से भारत दोनों तरफ से शांति की अपील कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच की ये जंग कब खत्म होती है या ये युद्ध अगले विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।